Friends, myself Mohammad Shahnawaz Alam, mathematics lecturer. This is the lecture number 33. The topic today, differentiation of inverse trigonometric functions. ये मैंने last class भी शुरू किया था, कुछ basic बताया था. आज questions करेंगे, कुछ problems को करेंगे, कुछ cases को discuss करके, ठीक है. इससे पहले कुछ property को जानते हैं. ये होता है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है. तो ये साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल हो जाएगा अंडर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन. ये अगर थीटा बिलोंग करेगा इसके रेंज से, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल ब्रांच से या फिर इसके रेंज से बिलोंग करेगा, तो फिर थीटा अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक रहेगा तो ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, थीटा बचेगा. कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, थीटा बचेगा. जब थीटा बिलोंग करेगा जीरो से पाई इंटरवल पर, टैन इनवर्स से टैन फिनिश हो जाएगा, थीटा बचेगा. जब थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल. ओके, तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या, क्लोज इंटरवल का मतलब ये बाउंड्री वैल्यू काउंट होगा, ये बाउंड्री वैल्यू काउंट नहीं होगा. कॉसेक इनवर्स से कॉसेक थीटा खत्म हो जाएगा तो बचेगा थीटा. थीटा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस 90 से प्लस 90 तक, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है. उसके बाद सेक इनवर्स सेक थीटा इज थीटा, ये दिया हुआ है. कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज थीटा, थीटा बिलोंग टू जीरो टू पाई. ये जीरो और पाई इंक्लूड नहीं है, ठीक है, या ओपन इंटरवल है. ओपन इंटरवल का मतलब ना तो जीरो इंक्लूड करेंगे ना तो पाई इंक्लूड करेंगे, उसके बिटवीन का वैल्यू इंक्लूड करेंगे. ओके, अब एक प्रॉब्लम लेते हैं. डिफरेंशिएट साइन इनवर्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. पहला केस है एक्स का वैल्यू माइनस वन बाई रूट टू से प्लस वन बाई रूट टू के बीच में. दूसरा केस है एक्स इजिकल टू वन बाई रूट टू से वन के बीच में. और तीसरा केस है एक्स इजिकल टू माइनस वन से माइनस वन बाई रूट टू के केस में. तो हम लोग क्या करते हैं, लेट y इजिकल टू साइन इनवर्स जो केस मेरा दिया हुआ उसको मान लिया मैंने y, ठीक है. अब याद रखो कि जब भी ऐसा कुछ रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसमें पुट करेंगे x इजिकल टू आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा. ओके, तो ये बन जाता है वन माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो एक्सएल टू साइन थीटा या फिर एक्सएल टू कॉस थीटा पुट करने से ये बन जाएगा. ओके, ये बन जाएगा, ठीक है. तो एक्सएल टू साइन थीटा मैंने पुट कर लिया तो थीटा इजिकल टू, देखो एक्सएल टू साइन थीटा और ये थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स इधर आएगा तो, ठीक है. पहला केस है मेरा, पहला केस है एक्स इजिकल टू माइनस वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू. एक्स मैंने साइन थीटा पुट किया है, माइनस वन बाई रूट टू से प्लस वन बाई रूट टू, तो साइन थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर. अभी हम वापस जा रहे हैं क्वेश्चन पर ना. वाई इजिकल टू क्या था, साइन इनवर्स यहाँ पर था टू एक्स. क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बाय सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे. ओके, तो ये आ गया साइन इनवर्स, ये टू साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा, ये बन गया टू साइन टू थीटा. अभी देखो मैंने क्या बताया, ये दोनों कब हटेगा, जब ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आएगा. लेकिन हमारे लिए दिक्कत वाली बात यह है कि थीटा यहाँ मेरा माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर में. अगर हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टू पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये माइनस पाई बाई टू से टू थीटा कहाँ आ गया, प्लस पाई बाई टू के बीच में. तो ये टू थीटा जो एंगल है ट्वाइस ऑफ एंगल, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में आ गया, मतलब ये हटने को अलाउ हो जाएगा ना, मतलब ये हट सकता है अब, तो टू थीटा हो गया. तो थीटा का वैल्यू क्या था मेरा, साइन इनवर्स एक्स. अब डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव क्या होगा, टू बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म, ये आंसर हो गया. दूसरा कंडीशन हमारा है एक्स इजिकल टू वन बाय रूट टू से वन, तो एक्स में तो साइन थीटा पुट किया मैंने, तो वन बाय रूट टू से वन, मतलब थीटा का वैल्यू पाई बाय फोर से पाई बाय टू, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थीटा. तो हमको टू थीटा देखना है, टू थीटा ही देखना है. टू थीटा कहाँ आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करो इसको, ये पाई बाई टू से ये पाई आ जाएगा. पाई बाई टू से पाई का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट. ओके, पाई बाई टू से पाई का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट. लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि साइन इनवर्स से साइन टू थीटा, ये टू थीटा तो मुश्किल करेगा ना. ये साइन इनवर्स तब हटेगा जब एंगल जो है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आएगा. लेकिन ये कहाँ आ रहा, पाई बाई टू से पाई के बीच में, हम इसको लाने की कोशिश करेंगे. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन पलट जाएगा. ओके, तो माइनस टू थीटा क्या हो गया, माइनस पाई से बड़ा, माइनस पाई बाई टू से छोटा. पाई अगर इंक्लूड कर दें तो पाई माइनस टू थीटा क्या होगा, ये जीरो और ये क्या हो जाएगा, नाइन्टी. मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस टू थीटा क्या हो रहा है मेरा, जीरो से नाइन्टी के बीच में आ जा रहा है, जीरो से नाइन्टी के बीच में आ रहा है. तो माइनस नाइन्टी से प्लस नाइन्टी के बीच में तो आ ही रहा है जीरो से नाइन्टी, तो नो प्रॉब्लम. अब देख सकते हैं हम अपने प्रॉब्लम को, है ना. तो ये हो जाएगा y इजिकल टू, फिर वापस आते हैं अपने केसेस पर, साइन इनवर्स साइन टू थीटा. यही तो मुश्किल है केस, है ना, इसको हटाएंगे कैसे, क्योंकि ये वाला मेरा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आना चाहिए. तो साइन इनवर्स से साइन, ये टू थीटा को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि टू थीटा मेरा 90 से 180 के बीच में नहीं हटेगा ये. तो टू थीटा को हम रिप्लेस कर रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन ही थीटा होता है, नो प्रॉब्लम. तो ये साइन हट जाएगा ना पाई, क्योंकि पाई माइनस टू थीटा क्या है, जीरो से 90 के बीच में.
तो ये आ गया y इजिकल टू पाई माइनस टू साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट कर दो आ गया आंसर, ठीक है। फिर x इजिकल टू माइनस वन से ये है साइन थीटा पुट किया, थीटा इजिकल टू माइनस 90 से माइनस पाई बाई फोर, तो टू थीटा देखा मैंने माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू आ रहा है। अभी देखो टू थीटा जब आ रहा है तो अभी हम देखते हैं थोड़ा सा इसको माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लाने की कोशिश करते हैं, या जीरो से पाई बाई टू में, तो पाई सब में ऐड कर दें तो पाई प्लस टू थीटा क्या आ गया जीरो से पाई बाई टू में, ओके। अभी आप देखो टू थीटा कहाँ है माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू क्या होता है, ये तो जीरो हो गया, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में देखेंगे ये माइनस पाई बाई टू है और ये वाला ये रोटेशन पर ये माइनस पाई है, ओके। तो माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई पर मतलब यहाँ इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो वाई इजिकल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, यही तो मसला रुक रहा है, टू थीटा मेरा अभी कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, टू थीटा अभी बिलोंग कर रहा है मेरा माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, तो साइन निगेटिव हो जाएगा, टू थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, तो साइन ये एंगल ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, इस निगेटिव को हम अंदर कर सकते हैं, देखो तो माइनस साइन लिख दिया, और साइन टू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम इस तरह से लिख दें माइनस साइन टू थीटा, ये टू थीटा को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, पाई प्लस टू थीटा से, पाई प्लस टू थीटा से, ओके, पाई प्लस टू थीटा से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, देखो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस ऑल साइन थीटा है ना, माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा, ओके, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये तो प्लस ही रहने दो, है ना, तो साइन 180 प्लस थीटा हमारे पास आता है साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ओके, तो माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, मैं ये माइनस को अंदर कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस को जैसे ही अंदर किए तो ये लाइन तो सेम ही है, ठीक है, इस माइनस को मैं अंदर कर सकता हूँ साइन माइनस थीटा, ये माइनस पाई हो जाएगा, ये माइनस टू थीटा, साइन साइन हटेगा, देखो तो माइनस पाई और माइनस टू थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस पाई और माइनस टू थीटा जो है बिलोंग कर रहा है माइनस 90 से जीरो के बीच में, देखो मैंने यहाँ बनाया है टू थीटा बिलोंग कर रहा है माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये पाई से पाई बाई टू, फिर माइनस टू थीटा आ गया, ओके, ये थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, ओके, ये आ गया माइनस पाई से माइनस टू थीटा, यहाँ देख लेंगे आप, इसको मैंने एडजस्ट किया है माइनस पाई, फिर माइनस पाई सब में ऐड कर दिया मैंने दोनों तरफ, तो ये ज़ीरो हो गया, ओके, तो माइनस पाई से माइनस टू थीटा जो है माइनस 90 से ज़ीरो के बीच में आ गया, ये होल्ड कर रहा है, तो ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट गया, माइनस पाई से माइनस टू थीटा माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दो, ये कैसे एग्जिस्ट हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे ये ज़ीरो, ये माइनस रहेगा, ओके, थैंक यू।